छोटी थी तब से सोचती कि मुझे इस दुनिया में आखिर लाए ही क्यों, मेरी जरूरत ही क्या थी। कुछ बच्चे सपने देखने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ अन्याय सहने। सिर्फ बेटियां ही जानती हैं कि दूध दो तरह का होता है, दूध जैसा दूध और दूध के नाम पे पानी। क्या मुझे खेलने का शौक नहीं था? तो फिर मेरा ही बचपन बचपन जैसा क्यों नहीं? पढ़ने की चाह मुझ में भी थी, लेकिन स्कूल भेजा भाई को। माँ बापू कहते कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तू तो पराया धन है। क्यों मुझे पराया धन कहा जाता है? क्या मैं बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती? क्या मेरा बोझ इतना ज्यादा है कि मुझे बाल विवाह के बहाने विदा किया जाता है? हमारे यहाँ बेटियां धीरे धीरे अपनी माँ जैसी बेनूर हो जाती हैं। न अक्षर ज्ञान, न स्वमान, न सवाल पूछने की हिम्मत, न जवाब देने की ताकत। बस चुपचाप रहो और सहो। सर, मेरी क्लास में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं और आपकी क्लास में भी कम दिख रहे हैं। बॉयज तो फिर भी ठीक आ रहे हैं, गर्ल्स बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, मेरी क्लास में भी सेम यही इशू है। एक ड्रॉप आउट का सर्वे भी है, कल चलते हैं इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जिसने स्कूल से पढ़ना छोड़ दिया है बीच में? जी, यहाँ कोई लड़की नहीं है, एक लड़की वहाँ काम कर रही है। सुनो बेटा, आप कहाँ पढ़ते हो? मैं स्कूल नहीं पढ़ती। क्यों बेटे? मेरे माँ बाप को कहते हैं कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तू घर का काम कर। अरे, आपका पढ़ने का मन नहीं करता? हाँ, करता तो है बहुत। आपका घर कहाँ पे है? यहाँ सामने। आप तो ये कह रहे थे कि आपके घर में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो स्कूल छोड़ा है जिसने? हाँ, तो हम गरीब लोग हैं, अगर सभी बच्चों को पढ़ने भेजेंगे तो घर का गुजारा कैसे। और आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं क्या? जी हाँ, मेरे दो बेटे जाते हैं। और जो बच्ची लेटी हुई है यहाँ पर, वो ये इसकी तो अगले महीने शादी है। इतनी छोटी सी लड़की को शादी कर रही हो उसकी? आपको ये मालूम है कि कानून जुर्म है, आपको उनको पढ़ाना चाहिए। लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी, आगे शादी के बाद इन्हें चूल्हा चौका ही देखना है। लड़के का अंश है, उन्हें ही घर आगे चलाना है, तो हम उन्हें ही पढ़ा रहे हैं। अभी पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पे जा सकती हैं। अब अगर आप बीमार होते हो तो आप अस्पताल जाकर वहाँ पे जो जेंट्स डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हो, लेडी डॉक्टर के पास जाते हो, ढूंढते हो ना लेडी डॉक्टर। अगर लड़कियाँ पढ़ेंगी नहीं तो वो डॉक्टर कैसे बनेंगी या दूसरे इम्पोर्टेंट काम कैसे करेंगी? तो आपको ये समझना चाहिए कि लड़कियों का पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का पढ़ना है। समझ में आया? जब मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि मेरे बारे में भी कोई सोच सकता है, मुझे भी कोई चुन सकता है, तब आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे चुना। बेटियां समस्या नहीं समाधान है, शिक्षित लड़कियां बदलाव का एक प्रबल जरिया है। इस बदलाव के लिए बेटियों को पढ़ाना होगा, उन्हें और सक्षम बनाना। शिक्षा स्त्रियों की कमाई क्षमता को 25% तक बढ़ा सकती है। जब 10% लड़कियां शिक्षा पाती हैं, तब देश की कुल घरेलू उत्पाद लगभग 3% बढ़ जाता है। अगर भारत की 1% ज्यादा लड़कियां माध्यमिक शाला तक जाएं, तो देश की कुल उत्पाद अरबों रुपए बढ़ जाएगा। स्त्री शिक्षा क्रांति को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने गाँव, अपने शहर तक ले जाएं। आइए इन बेटियों को शिक्षा का अवसर देकर देश को समृद्धि की ओर ले जाएं। सुनो सुनो मेरे।